सो गाइज, आप सभी का वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज अपन खेलने वाले हैं रेंज सिमुलेटर का एपिसोड नंबर 27। और भाई लास्ट वाले एपिसोड में यार अपन ने 200 पिक्स ले लिए थे। तो आज भाई, ओ भाई एक सेकंड, आज एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गया भाई। आज अपन पिक्स को यार पिक्स ही बोलेंगे और कुछ ही नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार रियली सॉरी यार, किसी को बुरा लगा हो तो वेरी वेरी सॉरी यार। लेकिन आज को बता देता हूँ आज अपन क्या करने वाले हैं। तो गाइज, आज अपन बेच के आने वाले हैं अपने जो अपन ने बनाए थे ना 500 से भी ज्यादा सोसेज, उनको बेच के आने वाले हैं और देखते हैं कि यार उनके कितने ज्यादा रुपए होंगे। क्योंकि यार अपने को विद इन 7 या 10 डेज के अंदर यार 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज नहीं भाई, 7 लाख डॉलर करने हैं। तो उसके लिए यार अपने को यार पूरे के पूरे अपने जितने भी सोचे थे अपने बना रखे थे वो बेच के आने होंगे और देखते हैं कि यार अपने को उनसे कितने रुपए मिलते हैं। और बाकी साइड में देख रहे भाई, यहाँ पे पहले मतलब पहले वाले घर में यहाँ पे गौ माता की फोटो लगी रहती थी, अब तो यार एक चील की है तो इसको तो रहने देते हैं और अपने सोचे थे अपने देखते हैं। बाकी ये रेडी हो चुके हैं तो इन सभी को मैं डालने वाला हूँ। लेकिन पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपन है ना जितने भी अपने मुर्गियों के अंडे हैं, जितने भी गौ माता है उनको देख के उसके बाद में उठाएंगे। और बाकी और बाहर की साइड में भी इतने डब्बे पड़े हैं, इनको भी रेडी करना है अपने। जल्दी से देखो बाकी साइड में भी इतने डब्बे पड़े हैं तो इन सभी को अपने को भरना है और बाद में अपने ट्रेल के अंदर रखना है। और यहाँ पे यार मुर्गियाँ तो मैंने लास्ट टाइम में यार यहाँ पे मैंने सारी मुर्गियाँ बेच के आ गया था। और मैं सिर्फ ये भी है ना, मैंने क्या किया कि 3 मुर्गियाँ यहाँ पे और 5 मुर्गियाँ अपने बड़े वाले के अंदर रखी है ताकि यार गेम थोड़ा लैग कम हो। और बाकी यहाँ पे देखो भाई, इन मतलब यहाँ पे मैंने 2 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा छोड़ दिया है तो इनके लिए मैं पानी भी डाल देता हूँ। बाकी इनका यार खाना तो पूरा है तो इनको पानी मैंने डाल दिया। अभी जल्दी से चल के देखते हैं दूसरे वाले में, और इसमें खाना पानी पूरा है, मतलब कि बोरिया मैंने यहाँ पे पहले से डाल रखी हैं और बाकी और बोरियां भी पड़ी हैं तो खाने की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी पानी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी ये मुर्गियाँ गई कहाँ पे यार, मतलब कि 5 ही मुर्गियाँ और भाई 500 की 500 ऊपर आ रखी हैं देखो। ओ भाई मतलब मैं तो गेट बंद कर रहा हूँ भाई, मैं देखूंगा ही नहीं, जल्दी से गेट बंद चलता हूँ मैं तो, यहाँ से मैं नहीं देखने वाला। तो अभी जल्दी से यहाँ से तो अपन चलते हैं और इस वाले में भी देख लेता हूँ। इस वाली मुर्गियाँ भी यार सारी की सारी ऊपर हैं और रोस्टर पता नहीं यार किस साइड में गया, रोस्टर नीचे की साइड में है। बाकी अंडे भी यहाँ पे यार काफी ज्यादा कर रखे हैं, मतलब कि कुछ अंडे तो पहले के भी पड़े हैं जो अब अपन बना रहे थे ना अपना पिग फार्म, तो यार मैंने अंडे उठाए नहीं तो अंडे भी अपने को काफी उठाने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे भी मुर्गियाँ और मुर्गे सारे सही है। यार मैं 1 सेकंड गेट बंद क्यों कर रहा हूँ यार, इस गेट को तो ओपन करते हैं, बाद में अपनी गौ माता के पास चलते हैं। बाकी यहाँ बस और बकेट तो अपनी गौ माता के पास हमारी पड़ी है, तो बाकी ये गौ माता तो अपनी यहाँ पे है और दूसरी किस साइड में है भाई, हेलो हेलो। और दूसरी वाली व्हाइट वाली तो अपने को मिल गई, और दूसरी वाली ओ भाई ये देखो, ओ मतलब ये अपने को याद कर रही थी, इतने दिनों से मिस कर रही थी तो आते ही ये कह रही है जल्दी से मेरा दूध निकाल। मतलब काफी दिनों से अपने गाय के यार दूध भी नहीं निकाला है, तो इनका खाना खाना और पानी तो इनका पूरा है, अभी अपने को दूध निकालना है इनका। तो जल्दी से मैं दोनों के बकेट लगाता हूँ। लेकिन 1 सेकंड पहले मैं सोच रहा हूँ कि अपने दोनों गौ माता ना इनको अपन बाहर लेके चलते हैं और बाद में बकेट लगाते हैं। तो एक गौ माता तो अपनी यार अपने आप ही बाहर आ गई है तो इसको तो बकेट लगा दिए मैंने, अभी दूसरी वाली को भी लेके आते हैं। तो भाई ओ गौ माता जी साइड में हो, एक सेकंड पहले बकेट लगानी पड़ेगी। हाँ अब आओ जल्दी से, आओ पीछे पीछे आओ। मतलब बकेट लगाते क्या होता है कि भाई ये एक ही जगह पे ना स्टक हो जाते हैं, बाद में हिलती भी नहीं है। तो बकेट पहले, ओ भाई पहले तो तुम आ भाई, गौ माता जल्दी जल्दी पीछे पीछे आ। तो गौ माता को भी जल्दी से यहाँ पे रख के जल्दी से अपन बकेट लेके आते हैं ताकि यार ये वापस अंदर ना आ जाए। तो यहाँ से जल्दी से लेके चलते हैं और बाद में इनका दूध भी निकालना है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार अपन है ना गाय का चैलेंज भी करेंगे, लेकिन यार अभी तो अपन पहले तो पिक का चैलेंज कर रहे हैं। तो जल्दी से यार अपन गाय का दूध निकाल लेते हैं, उसके बाद में यार अपने को मतलब कि अपने पिक देखने के लिए भी चलना है और अपने सोसेज भी सारे सारे इकट्ठे करने हैं। और भाई मिल्क भी अपने को जल्दी जल्दी काफी ज्यादा इकट्ठा करना है ताकि यार अपने काफी ज्यादा चीजें भी बना सकें और अपने रुपए जल्दी से कंप्लीट कर सके, अपने को जो 7 लाख अपने को विद इन 10 या 7 डेज के अंदर कमाने हैं। तो जल्दी से मैंने एक गाय का दूध निकाल लिया, अभी अपनी दूसरी गाय डोली वाली गाय है उसकी नंबर है तो इसका भी दूध निकाल लेते हैं। बाकी भाई अपनी गाय दोनों यार 7 लीटर दूध देती हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अपन काफी ज्यादा गाय ले आएंगे तो पता नहीं कितना दूध देंगी, एक भी बारी में अपने पता नहीं कितना चीज बना सकते हैं। तो ये तो मैंने शायद देख लिया, बाकी इन्होंने यार कोई पोटी वोटी तो कर नहीं रखी। तो अभी तो जल्दी से चलते हैं और अपने सोसेज को रेडी करवाते हैं सारे सारे। और इनमें यार मिल्क तो मतलब 2 कैन अपने पूरे फुल हो चुके, बाकी तो यार अभी 0% है। तो अभी तो जल्दी से चलते हैं और पहले देख 1 सेकंड पहले मैं खाना देख लेते हैं यार, मतलब कोई खाने की नहीं, खाने की कोई कमी नहीं है, मतलब 1 रुपए का भी खाना और नहीं डलने वाला।
तो अभी अंडे उठाने, तो अंडे की ट्रे किस साइड में रख दी थी यार मैंने शायद तक लास्ट टाइम में, अपन गाड़ी नहीं लेके गए थे यार लास्ट टाइम। यार पिछले 5 दिनों से मैं यार फार्म, पाँच नहीं भाई 5 दिनों से भी ज़्यादा से फार्म बना रहा था, तो मेरे को तो याद भी नहीं है कि मैंने कहाँ पर रख दी बास्केट। तो अभी तो मैं एक नई बास्केट लेके आ जाता हूँ जो अपन ने अंदर रख रखी है, क्योंकि यार मैं लास्ट टाइम जब बिगेस्ट शॉपिंग की थी ना अपन ने, तो मैं एक ही बार में 5 या 6 बास्केट लेके आ गया था। वो अपन बाद में ढूंढ लेंगे, या तो मैं आंटी जी के पास छोड़ आया, या पता नहीं यार शायद तक आंटी जी के पास या बर्गर शॉप के ऊपर मैं छोड़ के आ गया था। तो अभी तो जितने भी अंडे हैं ना अपनी मुर्गियों के, ये सारे सारे मैं उठा लेता हूँ। उसके बाद में यार अभी तो 2 फार्म और बाकी हैं, उनके भी अपने को अंडे उठाने हैं। और बाकी इन्होंने यार कोई पोटी वोटी अभी तक तो कर नहीं रखी है, तो इनकी पोटी तो अपने को उठानी नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से मैंने सारे सारे अंडे तो उठा लिए, अभी यार 2 फार्म है इनसे भी अपने को जल्दी जल्दी उठाने हैं। बाकी यहाँ पे अंडे, हाँ बाकी काफ़ी ज़्यादा अंडे पड़े हैं, मतलब कि ज़्यादा कितने भी ज़्यादा नहीं यार। पहली तो अपने जब वो लेके आए थे ना स्टार्टिंग में 50 पिक्स, उस टाइम पे तो पता नहीं कितने अंडे थे, तो इस वाले भी मैंने अंडे पूरे पूरे हटा लिए। अभी जल्दी से अपन चलते हैं दूसरे वाले के अंदर, इस वाले भी अंडे पूरे पूरे उठाते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि अपने कितने अंडे हो जाते हैं। और बाकी यहाँ की मुर्गियाँ भी यार इतनी ज़्यादा हेप तो है ही नहीं, मतलब तो काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ कम है यार। अब देखो कितने स्मूथ से अपना सारे सारे अंडे यहाँ पे भी मैंने उठा लिए, मतलब अब तो टाइम लगता ही नहीं है बिल्कुल भी अंडे उठाने में ना। पहले तो यार मतलब अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता था अंडे उठाने के लिए। तो अभी बारिश भी रुक चुकी है और अपने अंडे भी देखो कितने ज़्यादा हो रखे हैं। अभी जल्दी से इन अंडों को लेकर चलता हूँ मैं, और बाद में इनको बेचते हैं। और अपने एक सेकंड भाई, पहले कहाँ पे चलेंगे? पहले तो यार अपने नीचे जितने भी हैं ये बॉक्सेस, और भाई अपने इन बॉक्सेस के अंदर अपने को जितने भी बने हुए सोसेज हैं वो भी डालने हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार गाड़ी कौन सी लेके चलें, कैंपर लेके चलें या फिर अपनी ये रेंज रोवर ये वाली लेके चलें। तो यार वैसे तो कैंपर हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कार लगती है मेरे को, इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन भाई अभी ये नई गाड़ी है तो इसको लेके जाने वाले हैं अपन, वरना भाई जो कंट्रोल है ना वो भाई उस वाली गाड़ी का ज़्यादा अच्छा है जो ऑरेंज कलर वाली है। इस वाली का रेड कलर वाली का इतना अच्छा कंट्रोल है नहीं। तो अभी तो जल्दी से पहले तो अपन सारे अपने जितने भी सोचे रेडी हो रखे हैं उनको एक साइड में रखता हूँ, और सूखने के लिए लटका देता हूँ, ताकि यार जल्दी जल्दी अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है यहाँ पे। जितने भी सोचे थे ना इन सभी को अपने को उतारना है, फिर डब्बे के अंदर डालना है, फिर और भी सोचे यहाँ पे लगाने हैं। तो जल्दी से अपन ये भी सारे सारे उतारते हैं और बाद में अपने बर्गर शॉप के पास चलते हैं। तो ये डब्बा, हाँ एक डब्बा तो खाली है, इसके अंदर आ जाने चाहिए शायद तक, नहीं 1-2 पीस बचेगा, हाँ 1-2 पीस बचे हुए हैं, तो इनको बाद में देखेंगे। पहले तो एक काम करता हूँ मैं, जितने भी ए और है ना इन सभी को सुखा देता हूँ बारी बारी, ताकि बाद में एक साथ में सारे सारे उठा लेंगे अपन। तो जल्दी से अपने को यार ये भी सारे सारे सुखाने हैं यहाँ पे। बाकी भाई पूरे पूरे मैंने सारे के सारे सब कुछ कर दिया भाई, बाकी साइड में जितने भी डब्बे पड़े थे ना वो पूरे के पूरे मैंने सुखा दिए, सारे सारे रेडी भी हो चुके हैं। और देख रहे हो कितने ज़्यादा डब्बे अंदर पड़े हैं, और इससे भी ज़्यादा डब्बे यार मैं बाहर अपने ट्रेलर के अंदर रख के आ गया, आपको दिखा देता हूँ। देखो इस साइड में मतलब पूरा पूरा ट्रेलर मैंने भर दिया इतना, तो अभी इनको भी अपने को भरना होगा, वरना यार मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को मतलब 3 से 4 दिन लग गया इनको रेडी रेडी करने में। तो जल्दी से इनको तो अपने पूरा रेडी कर लिया, अभी इनको यार लास्ट 3-4 पीसेज बचे हैं ना, इनको अपन डब्बे के अंदर डाल लेते हैं, और बाद में अपने को गाड़ी के अंदर भी डालने होंगे। उसके बाद में हमने चल सकते हैं अपनी बर्गर शॉप पे, और रेट चल के देखने वाले हैं कि आपने कहा कितनी ज़्यादा रेट मिलने वाली है आज। तो अगर भाई इसके अच्छे खासे रुपए मिल जाएंगे ना, मतलब कि अगर भाई इसके 3 लाख रुपए मिल जाएं, $3 लाख मिल जाएं, तो भाई फिर तो मतलब एक ही बारी में फिर तो मैं फिर से सोसेज ही बनाने वाला हूँ। लेकिन इतने यार मिलेंगे नहीं यार, मतलब 500 सोसेज के पता नहीं यार कितने मिलने वाले हैं। आप गाइज कमेंट करके बताओ यार कितने मिल सकते हैं, पहले मतलब बिना स्किप के आगे निकाले हुए देख के पहले बताओ कि कितने अपने को मिलने वाले हैं। तो ये सारे के सारे तो मैंने डब्बे के अंदर डाल दिए, अभी जल्दी से अपन ना अपना ट्रेलर जोड़ के लेके आते हैं, और उसके बाद में जितने डब्बे और अंदर की साइड में पड़े हैं उनको रखता हूँ। लेकिन उससे पहले सारे के सारे पेट्रोल की कैन ना इनको एक लाइन में लगा देता हूँ, दो कैन बची हुई है तो इनको भी रख देते हैं जल्दी से, उसके बाद में चलने वाले हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक कैन अपन साथ में नहीं लेके चलेंगे यार, पेट्रोल अपन और डलवा ही लेंगे, मतलब चलते टाइम पे अपन। ओ भाई बास्केट अपनी ट्रक के अंदर पड़ी थी यार, अभी मेरे को ग्लिच दिखी यार, मैं सोचा बास्केट कहाँ पे गई, लेकिन अपनी बास्केट ट्रक के अंदर ही रखी हुई थी, तो इसको तो अपन बाद में ले लेंगे, ट्रक अपना यहीं पे रहेगा। अभी तो जल्दी अपने सारे के सारे बॉक्सेस उठा लेते हैं, और बाकी भाई आधे से ज़्यादा तो अपने जो सोसेज हैं वो सारे के सारे अंडे से बने हुए हैं, और कुछ अपने ऐसे बने हुए जो सिंपल सोसेज हैं वो हैं, और भाई कुछ तो मेरे से मीट बॉल भी बन गए थे। मैं बना तो रहता सोसेज, लेकिन यार कई कई बार गलती से वो पहले ही मेरे हाथ में निकल रहे थे, तो इसलिए चक्कर में कुछ मीट बॉल्स भी अपने बने हुए हैं, तो उनको भी अपन बेच देंगे साथ ही में।
तो आराम से बस बस गाड़ी यार, गाड़ी मतलब हर बार अपनी ठुक की जाती है बिल्कुल थोड़ी सी। तो अभी अपने वो सारे सारे डब्बे, पहले तो मैं सोच रहा हूँ अपन है ना पहले पूरे के पूरे गेट के बाहर निकालेंगे, उसके बाद में सारे के सारे अपन मतलब कि पूरे के पूरे ट्रक के अंदर लोड करेंगे, अपने जितना भी ट्रेलर के अंदर सारे सारे लोड करने वाले हैं। तो जल्दी से मैंने पूरे के पूरे डब्बे तो पूरे बाहर निकाल लिए हैं, अभी थोड़ा मैं ना गाड़ी को आगे थोड़ा मतलब बिल्कुल ऐसे लगाने वाला हूँ ताकि अपन ट्रेलर के अंदर खड़े खड़े सारे के सारे डब्बे उठा सकें। जल्दी से सारे सारे डब्बे भी उठा लेते हैं बाकी साइड से, हाँ बस आराम से आ जाएंगे, मतलब एक ही बारी में आप आराम से अपने को बार बार में नीचे उतरना नहीं पड़ेगा, वापिस ऊपर नहीं आना पड़ेगा। और बाकी भाई मेरे को आज ही एक चीज बता चलिए कि भाई अपन ट्रेलर के अंदर एक के ऊपर एक तीन रख सकते हैं, वरना गाड़ी के अंदर तो अपन सिर्फ एक के ऊपर दो ही रख सकते हैं, मतलब कि दो ही लेयर बन सकती है, तीसरी लेयर अपन बना नहीं सकते, लेकिन भाई ट्रेलर के अंदर अपन तीसरी लेयर भी बना सकते हैं। तो जल्दी से ये डब्बे में मैंने पूरे के पूरे रख दिए हैं, लास्ट एक डब्बा बचा है जो कि यार अपने को नीचे रखना पड़ेगा, मतलब अपनी थोड़ी सी शो यार बिगड़ गई, दो डब्बे होते ना तो ये भी थोड़ा ऊपर हो जाता। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले अंडे भी अपन साथ में ले चलते हैं, इनको भी बेच देंगे, और एक अंडे की ट्रे अपनी पहले से पड़ी है तो उसको भी अपन बेच ही देंगे, रख देता हूँ जल्दी से। उसके बाद में अपने यहाँ चलते हैं अपनी बर्गर शॉप पे, तो इसको भी रख दिया है। बाकी भाई एक चीज देखो, ये झूला है, मेरे को काफी ज्यादा खतरनाक लगा इस गाड़ी का यार, आराम से इसके ऊपर खड़े होकर अपन झूल सकते हैं। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले जल्दी से चलते हैं, और अपना एक बेड है ना वो भी अपन साथ साथ में लेके चलते हैं, मतलब अगर रात भी हो जाएगी अपने को बर्गर शॉप वाले के पास तो अपन वहीं पे सो जाएंगे, मतलब कि अगर अपना मैं सोच रहा हूँ कि अगर अपना मल्टीप्लायर आ रखा होगा ना जब तो अपन बेच देंगे, वरना भाई अपन एक दो रात वहीं पे निकालने वाले हैं और बीच बीच में आके अपन खाना डाल के चले जाएंगे अपने पशुओं को। तो जल्दी से अपन अभी चलते हैं, मतलब अपने जितनी भी गाय हैं मुर्गी है ना, जितनी भी नहीं है भाई अभी तो दो ही हैं, मतलब दो अपनी गायें हैं और अपनी मतलब कि चार या पाँच, मतलब पाँच के अंदर पाँच, मतलब टोटल अपने पास सही तक 15 या 16 अपनी मुर्गियाँ हैं। तो अपने को अपने जो पिक्स हैं वो भी देखने हैं, तो जल्दी से अभी अपन चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं अपनी बर्गर शॉप के लिए। और उससे पहले अपने को यार पेट्रोल भी डलवाना होगा। अब राइट हैंड साइड में देखो भाई पेट्रोल अपना बिल्कुल कम है, मतलब कि थोड़ा सा पेट्रोल बचा है शायद तक, यार मेरे को लगता है पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी, यार मेरे को लगता है यार पहुंच मतलब पहुंचेगी ना तो भाई बिल्कुल फिक्स पहुंचेगी, उससे ज्यादा आगे जाने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है यार। अभी तो मैं जल्दी से आ चुका हूँ अपने पेट्रोल पंप पे, तो अभी अपन डलवा लेते हैं पेट्रोल और देखते हैं कि यार अपनी गाड़ी कितने रुपए का पेट्रोल खाती है। तो आराम से बस 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 भाई ट्रेलर मतलब ट्रेलर ना भाई बैक लेते हैं तो पूरा घूम जाता है, अभी तो मतलब थोड़ा सही पार्क में हुआ, वरना भाई ये इतना ज्यादा दिक्कत देता है। और बाकी इसका भाई पेट्रोल किस में डाले, किस साइड, हाँ ये रहा मतलब इस साइड में भाई, मैं तो था पेट्रोल की साइड में इसका, तो पेट्रोल का फ्यूल भी अपन तेल कटवा लेते हैं, कितने रुपए हमने काटता है ये देखते हैं। बाकी इतने ज़्यादा रुपए काटता नहीं है, शायद $20 ही लेता है इसके अंदर, एक सेकंड इसके अंदर भाई तेल डलता है कैसे भाई, ये खुलता तो है ही नहीं, जो पेट्रोल वाली टंकी होती है ना भाई वो खुलती है ही नहीं, डायरेक्ट तेल डलने लग जाता है, ये पता नहीं इनका यार क्या। तो अभी तो जल्दी से चलते हैं अपन, अपने जितने भी छोटे थे ना इनको बेचने वाले हैं, उसके बाद से यार इनके बात करेंगे कि भाई ये पेट्रोल ऐसे कैसे डालते हैं, क्योंकि अभी तो यार मेरे को काफी ज्यादा जल्दी हो रखी है कि कैसे यार मतलब कितने ज्यादा रुपए अपने होने वाले। ओ बस 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 भाई, और भाई मतलब क्या यार क्या कट लगी यार। बाकी एक चीज देखना आराम से देखो, अपनी अभी भी दोनों गाड़ियां यहीं पे खड़ी हैं, और आज अपने यार एक गाड़ी और लेने की सोच रहा हूँ मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अपनी अब यहाँ पे तीन तीन गाड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा, लेकिन देखते ही वो तो बाद में, पहले तो अपन है ना जल्दी से बेचने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे लगा तो दिया है, अब जल्दी से मैं इनको देखता हूँ कि कितने रुपए में बिकते हैं। बाकी डब्बे काफी ज्यादा हैं तो इस साइड से तो अपन जा नहीं सकते, अपने को यार इस साइड से घूम के जाना होगा, और उसके बाद में अपने को बर्गर शॉप से बात करनी होगी। बाकी यार यहाँ पे कोई आता नहीं है, कभी कोई नहीं मिलता भाई, फिर भी ये सामान पता नहीं कितना कितना लेता है। हेलो भाई रेट कितने की आ रखी है, तो मेरे को खुद को जाके देखना पड़ेगा भाई, ये कह रहे थे खुद को जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यार मैंने काफी दिन मतलब दो तीन दिन बताए, उसके बाद में देखो अपनी प्राइस आ चुकी है 2 की, मतलब कि हमने दुगनी प्राइस आ चुकी है। अभी तो मैं जल्दी से इनको बेच दे रहा हूँ और देखते हैं अपने कितने रुपए होते हैं। भाई ये क्या ओनली 1000 अंडे अंडे आ रखे, मैं सोचा भाई ये क्या हो गया, तो मतलब अपने को नीचे उतारने पड़ेंगे इनको, उसके बाद में अपन इनको बेच सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक बारी में ना अपन सारे सारे नहीं बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बेचने वाले हैं, ताकि आराम से अपने रुपए पता चले कि अपने पास कितने कितने रुपए हो रहे हैं। तो इतने डब्बे एक बारी में काफी हैं, इतने डब्बे बेच दे रहा हूँ मैं एक बारी में, बाकी अपन डब्बे बाद में बेच देंगे, बस लास्ट इतने डब्बे बेचने वाले हैं। तो इतने डब्बे के रुपए अपने हैं $19,735, तो इनको जल्दी से बेच देते हैं, उसके बाद में अपने पास शायद मतलब कैलकुलेट करते 54,000 हो गए। हाँ भाई बिल्कुल, हाँ हाँ तो तुम्हारे भाई की यार मैथ काफी ज्यादा खतरनाक थी, 54,644। तो जल्दी से इनको तो अपन ने और भी बाकी बेचने हैं, इनको तो अपन ने यार बेच दिया है, तो अभी इतने डब्बे और बचे हैं जो मैंने ऊपर से उतारे हैं, तो इनको भी मैं बेच देता हूँ, और बाकी कुछ मैंने बीच में बेच दिए, तो अभी इनको बेच के देखते हैं कितने रुपए अपने पास होते हैं।
तो देख लो मैंने बीच में कुछ बेच दिए थे तो ये बेच दिए, तो अभी अपने पास मतलब 89,000 रुपये और बाकी बिक कैसे नहीं रहे भाई, अभी भी इनमें शेयर काफ़ी ज़्यादा खाली है। तो इनको एक सेकेंड वापस भेजता हूँ भाई, बिक ही नहीं रहे, मैं सोचा बिक कैसे नहीं रहे भाई, ये बिक भी नहीं रहे थे। अब कितने और के, हाँ भाई अपने पास 22,000 के और हैं, मतलब अपने 89,621 के बेच लिए, अभी अपने पास उसके 1,11,752 डॉलर, मैं भाई 1,000 बोल रहा था भाई, 1,000 बिल्कुल भी नहीं है, 1,11,000 अपने पास रुपए हो चुके हैं। अभी अपने को यार काफी ज्यादा रुपए और करने हैं, 6 लाख रुपीज ने भी 6 लाख डॉलर अपने को और करने हैं, मतलब मैं हर बार भाई रुपीज बोल देता हूँ। बाकी यहाँ पे मेरे को लगता है कि और तो किसी में बचा नहीं है, तो अभी है ना अपन जल्दी से इसके पास सो जाते हैं। हेलो मैं यहाँ पे सो जाऊँ क्या भाई, बोलो यहाँ पे सो जाऊँ मैं, तो ये कह रहे भाई सो जा रहे हो। बाकी इसने यार कोई लाइट वाइट तो नहीं लगा रखी इसके अंदर, एक सेकंड भाई लाइट लगा रखी है, लेकिन यार इतनी कम कैसे जल रही है इनका पता ही नहीं यार। अभी अपन बेड लेते हैं अपना, और बेड लेके अभी यहाँ पे इसके पास सो जाते हैं, और बाद में सुबह उठ के अपन जल्दी से चलने वाले हैं अपने सूरों के पास, और बाकी इस साइड में नहीं अंदर की साइड में सोएंगे अपन आराम से, यहाँ बस यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं और ये अपने को देखता रहेगा आराम से। तो यहाँ पे अपन सोने वाले हैं और इससे बातचीत कर लेते हैं, एक सेकंड। तो देख मैं तेरे बिल्कुल पीछे सोने वाला हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत होगी तो बता देना। तो कह रहा ठीक है भाई सो जा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, तो जल्दी से अपन सो जाते हैं। बाकी गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नए सुहाने दिन के साथ अपन उठ चुके हैं, और अब तो भाई अपन मतलब कि लखपति बन चुके हैं, मेरे पास 1,00,000 रुपए आ चुके हैं। तो बर्गर वाले भैया कोई कुछ चीज की जरूरत हो तो मेरे को बताना यार, ठीक है ना। बाकी ये कह रहा है कि भाई तेरे को रुपए मैंने दिए, तूने सामान मेरे को बेचा, और मेरे को ही कह रहा है कि किसी चीज़ की जरूरत हो तो मेरे को बताना। तो इसको तो कहते हैं बाय बाय, हेलो बाय बाय भैया, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू इतने रुपए देने के लिए। अभी तो यार देखो कितने ज़्यादा अपने डब्बे बिखर चुके हैं, मतलब पूरा बिखर रखा है। तो इनको मैं सारे सारे गाड़ी के अंदर डाल दिए हैं, मतलब अपने पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर मैंने पूरे भर दिए हैं। और एक सेकंड भाई ये क्या, मतलब अभी भी पीसेस बाकी हैं, मतलब बीच में भाई मैंने 3-4 पीसेस और भी बेच दिए थे, मतलब कई 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 डब्बे तो भाई पता नहीं क्यों नहीं बिक रहे थे, शायद तक एक ही बार में ना अपन काफ़ी ज़्यादा डब्बे लेके आते थे वो बिकते नहीं है, तो इसको भी मैंने बेच दिए। तो अपने पास हो चुके हैं 1,14,000। तो अभी अपन निकलते हैं अपनी आंटी जी के लिए, और देखने वाले हैं अपने पिक्स को यार कि अपने पिक्स कितने तंदुरुस्त हो रखे हैं, कि थोड़े बहुत मोटे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो जल्दी से अपने को यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रखी है यार पिक्स को पास जाने के लिए। बाकी यार मैं जल्दी से आ चुका हूँ अपने पिक्स के पास, और अपने पिक्स को देखते हैं कि ओ भाई मतलब मैं सोचा पिक्स इतने कम कैसे लग रहे हैं, लेकिन भाई ये धीरे धीरे स्पॉन हो रहे हैं। तो अपनी गाड़ी को यहीं पे लगाते हैं और देखते हैं कि अपने पिक्स यार क्या कर रहे हैं, कि मतलब इनके पास खाना पानी पूरा है कि नहीं है। तो अभी यार गाड़ी के अंदर मैं मतलब घुसा कैसे, मैं वो समझ में नहीं आया भाई ये बात। तो इस साइड में देखो मैंने लकड़ियाँ भी थोड़ी ऊँची ऊँची कर दी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा भाइयों के कमेंट भी आए थे यार लकड़ियों के 8-8 लाइन लगाओ, तो भाई मेरे को लगता है कि यार 8-8 लाइन लगानी पड़ेंगी, वरना तो यार ये बाहर निकलते रहते हैं। और इनका खाना यार पड़ा है थोड़ा बहुत तो पड़ा है यहाँ पे, मतलब कहीं कहीं पे नहीं पड़ा, तो इनका मैं खाना डाल देता हूँ अभी, उसके बाद में अपनी गाड़ी खरीदने चलेंगे। और बाकी ओ मुन्ना, हेलो मुन्ना जी इस साइड में क्या देख रहे हो, अंदर क्या है, आंटी जी को झाक झाक भाई आंटी जी को झाक झाक के देख रहे हो, आंटी जी को देखो, मतलब आंटी जी को पीछे से देख रहा है झाक झाक के, भाई आंटी जी सामान कहाँ से देती हैं, मेरे को इसको क्यों बेच दिया, यहाँ पे रखता है, मतलब ये घर पे भी नहीं ले जाता। बाकी नहीं एक एक सूर अपना बाहर भी घूम रहा है, इस सूर्य को अपन बाहर ही घूमने देते हैं, क्योंकि यार अंदर लेंगे ना तो यार बाकी सारे सूर्य बाहर निकल जाएंगे। तो अभी तो मैं कुछ अनाज की बोरियाँ मैंने डाल दी हैं, अभी एक दो और बाकी हैं, तो ये भी मैं डाल देता हूँ ताकि बाद में इनको खाने की दिक्कत ना आए, वरना अरे खाने की दिक्कत आ जाएगी तो सारे के सारे मर जाएंगे। और कुछ छोटे सूर्य अभी भी मतलब अंदर की साइड में है, और बाहर की साइड वाले तो यार बड़े बड़े हो रखे हैं। बाकी यहाँ पे यार पूरा पूरा खाना, मतलब हाँ खाने की बोरियाँ तो मैंने कम से कम यार 10 या 15 डाल दिया इनको, तो खाने की तो इनको कोई कमी आनी नहीं चाहिए। बाकी हाँ इस साइड में मतलब खाने की तो कोई कमी नहीं है, पानी तो मैंने यार पहले से इनको भर भर के डाल रखा है। और बाकी मैंने यहाँ पे देखो एक ऐसी चीज़ कर रखी है ताकि अपन यहाँ से आराम से बाहर उछल के जा सकें, वरना तो यार ये भी साथ साथ में अपने बाहर आ जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ अपनी गाड़ी को लेने के लिए, और बाकी अपन यार पहुँचने वाले हैं अपनी गाड़ी को लेने के लिए, और देखते कि अपन कौन सी गाड़ी लेने वाले। और भाई आप कमेंट में बताना कि यार अपने जो पिक्स थे यार वो कैसे हो रखे थे, और कैसे आपको वो पिक्स फॉर्म देख के लगा। तो अभी तो यार अपनी मतलब गाड़ी कौन सी ले मेरे को, तो ओ एक सेकंड भाई प्लीज प्लीज, ओ भाई ये क्या था भाई, भाई ये क्या था, अरे वाह भाई ये खतरनाक चीज थी, एक सेकंड यार इसको ये वापस मतलब ये वापस होना चाहिए यार मेरे साथ, मतलब गाड़ी कटे भाई पूरी पूरी, ओ बस बस आराम से, मतलब भाई इसके अंदर गाड़ी टूटती नहीं है, वरना यार पूरा नुकसान होता अपना, क्योंकि यार गाड़ी पूरी देख, ओ भाई भैया हो क्या रखा गाड़ी को, क्या हो गए गाड़ी भाई, इतनी स्पीड से कैसे चल रही है आज मेरे को पता ही नहीं चला, इतनी स्पीड कैसे आ रखी भाई गाड़ी में यार, गाड़ी काफी ज्यादा स्पीड से, मतलब बैक ले रहा हूँ ना
तो भी शायद के पत्थर वत्थर के टकराते भाई पूरी झटके से बैक जाती है। तो अभी अपन जल्दी से अपने कार डीलर शॉप वाले के पास चलते हैं और उससे बातचीत करते हैं कि कौन सी उसके पास गाड़ी आ रखी है और कौन सी नहीं आ रखी। तो इसको बस आराम से यहीं पे लगा देता हूँ बस। और बाकी यार मतलब अभी यार मेरे को गाड़ी देखते, देखो अभी पे हमने दोनों गाड़ी यहीं पे खड़ी है। आपको देखो एक सेकंड में पास चल के दिखा देता हूँ। ये वाली गाड़ी तो भाई मैंने जब से ली भी नहीं है और ये वाली तो हमने फिर भी चला ली ATV, लेकिन जब से भाई मैंने पहली नई गाड़ी ली थी ना उसके बाद में मैंने भाई दादाजी ने जो गाड़ी गिफ्ट की थी वो वाली तो मैंने चला के भी नहीं देखी है। तो ये वाली गाड़ी तो मैंने ले ली है। आज अपन कोई नई गाड़ी लेने वाले हैं तो भैया जी कोई नई गाड़ी दिखाओ जल्दी से। ये वाली ले ली, ये वाली ट्रक तो ले लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं नहीं ये वाली लेंगे, ये है $600 की। और बाकी एक सेकंड एक अपनी एल्टो भी है, देखो दिखा देता हूँ। ये एल्टो एल्टो ये वाली एल्टो ये है 800 की, मतलब दोनों एल्टो ही है, कुछ टाइप से एल्टो ही लग रही है मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन है ना अपन वो वाली लेंगे जो 600 वाली है, ये 800 वाली बिल्कुल ही नहीं लेंगे अपन। अपन लेने वाले 600 वाली जिसकी कैपेसिटी तो अपने को दिखा भी नहीं रहा। अपनी गाड़ी का नाम भाई सेडान गाड़ी का नाम है, जिसको मैंने परचेज तो कर लिया है और बाकी भाई अपने $600 कट चुके हैं, जो कि यार ज़्यादा मतलब है नहीं। अपने पास यार $1,40,000 है, तो इतने ज़्यादा रुपये मेरे को लगे नहीं है। तो अंकल जी बाय बाय, मतलब एक दो गाड़ी और लाओ यार, नहीं तो हम खरीद सकें यार, कोई महंगी महंगी गाड़ी लाओ यार, प्राइस बढ़ाओ गाड़ियों की थोड़ी। बाकी गाड़ी किस साइड में दिख रही है अंकल जी? ओ उस साइड में भाई, ये कह रहा है कि इस साइड में मैंने पार्क में लगा दी है। तो बाकी अपनी गाड़ी देख रही हूँ भाई, कितने पुराने जमाने की गाड़ी है। इसके एलोय व्हील यार, इसके एलोय व्हील भी जैसे पुरानी पिक्चर आती थी ना भाई, उसके एलोय उस जैसे एलोय व्हील है इसके। और गाड़ी भी यार उस पूरी की पूरी वैसी की वैसी है, और इसके पूरा पीछे वाला डिक्की खुलती नहीं गया यार। मतलब ये वाली डिक्की खुलती ना तो काफी ज्यादा मजा आता। और भाई इसकी साउंड यार, एक सेकंड भाई यार साउंड वापस बैक करके सुनना भाई, इसकी साउंड कितनी खतरनाक है यार। ए भाई खतरनाक भाई, इसकी साउंड सबसे खतरनाक लगी मेरे को भाई। इसलिए मैं पहले तो इसका कलर चेंज करवाने वाला हूँ। और बाकी इसकी स्पीड नहीं यार, कंट्रोल तो ठीक है लेकिन इसकी स्पीड है इतनी ज़्यादा है नहीं। मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड अपनी पहले वाली गाड़ी की है ना, उतनी ज़्यादा स्पीड इसकी है नहीं। तो इसका मैंने अभी तो व्हाइट कलर करवा लिया है। आप कमेंट होता ना कि इसका अपन कौन सा कलर करवाएं। और बाकी यार व्हाइट कलर में भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इसको पहले तो अपन बाहर निकाल के देखते हैं कि बाहर कैसी लगने वाली है अपनी गाड़ी। बाकी देख रहे हो मतलब धूप में कितनी ज़्यादा यार अपने को कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। व्हाइट कलर काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है, मतलब एकदम प्रीमियम कलर लग रहा है यार। तो आप कमेंट बताओ आपको कैसा लग रहा है और कौन सा नया कलर ट्राई करें वो भी बता देना। और अंदर की साइड से इसकी 80 की स्पीड है। और ओ भाई इसके अंदर चाबी देखो कहाँ पे लग रही है यार, मतलब इसकी यार चाबी इसके अंदर लगी नहीं हुई है और गाड़ी स्टार्ट हो रखी है भाई, गजब यार। मतलब मेरे को लगता है कि जैसे मतलब कि क्या होता है जैसे पिन पार्ट देना, इसकी साइड में पिन पार्ट रखी है जब भी, तो ये गाड़ी ऑन हो रखी है। तो इसको लेके चलते हैं अभी अपनी इस साइड में। और मैं सोच रहा हूँ कि यार नहीं नहीं एक काम करेंगे अपन, इस वाली गाड़ी को पहले टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं, उसके बाद में अपन और कुछ करने वाले हैं। तो उसको टेस्ट ड्राइव करने के लिए मैं पहले पेट्रोल पंप की साइड में चलता हूँ और भाई पेट्रोल पंप से अपन फ्यूल भी डलवा लेंगे और अपनी जो टेस्ट ड्राइव है वो भी हो जाएगी। और अपने को पता भी चल जाएगा कि ये गाड़ी अपनी कितनी भगती है, कितना इसका कंट्रोल है और कितनी अपनी ये गाड़ी। तो अभी तो जल्दी से मैं वापस आ चुका हूँ और भाई अपनी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, मतलब इस स्पीड का मैं बाकी भाई इसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और भाई इसकी स्पीड देख के लगता है मेरे को भाई ये इस ट्रेलर को भी नहीं खींच पाएगी। तो देखते हैं कि पहले तो मैं एक काम करता हूँ, अपन गाड़ी को इस वाली गाड़ी को तो पीछे लेंगे और जो अपनी जो सामने साइड में जो रेड कलर की है और अपनी व्हाइट कलर वाली गाड़ी से ना ये पूरी मतलब ट्रेलर के अंदर डालने के बाद में खींचने वाले हैं। तो देखते हैं कि अपनी मतलब कैसी सी ये गाड़ी मतलब कि अपनी गाड़ी को चला पाती है कि नहीं पाती है छोटी वाली गाड़ी। तो वो तो अपने को अभी डालने के बाद में ही पता चलने वाला है। उसको आराम से डालते भाई, आराम से पीछे बैक करिए, आराम से भाई टकरा ना जाए कहीं पे। ओ भाई एक सेकंड भाई प्लीज प्लीज भाई, यार आगे वाला तो यार पता नहीं कितना आगे जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा आगे लेना पड़ेगा यार। और बाकी रात भाई जल्दी से रात भी होने वाली है, तो मैं इसको जल्दी लेना पड़ेगा अपने को। बाकी देख रहे हो मतलब ट्रेलर इतना ज़्यादा बड़ा है और गाड़ी भाई बिल्कुल छोटी सी लग रही है यार, बिल्कुल मतलब कि चुन्नी मुन्नी सी लग रही है अपनी गाड़ी इसके आगे। अभी शायद तक ये गाड़ी यार मतलब आगे खींचेंगे नहीं, नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं नहीं भाई अपनी वाली गाड़ी छोटी वाली गाड़ी में बिल्कुल भी दम नहीं है भाई, मतलब वो गाड़ी भाई क्या बताए यार, वो बिल्कुल छोटी सी गाड़ी है। मेरे को लगता है बस वो ऐसी गाड़ी, ओ पीछे अपने आप ऑटोमेटिक भाई, उसके अंदर कौन बैठा भाई, जा भाई उसके अंदर बैठा कौन यार, अपने आप पीछे आ रही है यार वो उसका। अभी तो जल्दी से अपनी ये वाली गाड़ी को मैं वापस लगा के देखता हूँ आराम से बस आ जाने। ओ नहीं 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 आगे नहीं जाने का, आराम से बस आराम से आ जानी चाहिए गाड़ी। नहीं यार ऐसे तो बस बस आगे आगे बस बस भाई बस नहीं यार अभी तो भी थोड़ी, हाँ अब बिल्कुल सही है। अभी अपन इसको घुमा के देख चला के देखते कि अपनी वो वाली आगे वाली गाड़ी इस गाड़ी को और अपने ट्रेलर को पूरे को आगे चला पाता है कि नहीं पाता है।
बाकी इसकी साउंड तो भाई खतरनाक, मतलब कि इसकी साउंड मेरे को सबसे खतरनाक लगी। जितनी भी अपनी गाड़ी ना स्टार्ट होने की साउंड मतलब बिल्कुल अलग है। बाकी जो अपनी गाड़ी है उनकी थोड़ी साइलेंट आवाज़ है, लेकिन भाई इसकी आवाज़ खतरनाक है। और बाकी देख रहे हो कितना ज़्यादा जोर आ रहा है भाई इस गाड़ी को मतलब आगे करने में। ओ भाई नहीं नहीं यार, नहीं नहीं ये नहीं कर पाएगी भाई, ये गाड़ी रुक गई भाई। मैं फुल रेस दे रहा हूँ लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अब साउंड सुनो, मतलब कि मैं वापस से रेस दे रहा हूँ, मैंने फुल रेस दे रखी थी लेकिन भाई ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। वापस से ट्राई करके देखते हैं, लेकिन अब तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि इसको यार इससे ट्राई अपन नहीं करने वाले, क्योंकि अब तो इससे डलने वाली नहीं है। तो अब तो मैं इनको आराम से डाल के घर पे ले जाने वाला हूँ। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक, आप कमेंट बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये गाड़ी भी कैसी लगी और इस गाड़ी के यार कौन से कलर करवाएं। और यार कल अपन मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि सूअर काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, तो कल अपने यार सूअर को भी बेच के आने वाले हैं। तो गाइज आज की वीडियो यहीं तक, और बाकी भाई यार इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा फॉलो वॉलो कर लो यार भाई, मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर देना। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, लव यू, टेक केयर।